राधे राधे। क्या तुम सारी लड़कियों से इसी तरह से बात करते हो? सुंदर लड़कियों से तुम तो सो राधे राधे माय फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे भाई आपने प्रीव्यू में देखा होगा, कुछ इस प्रकार की वीडियो आप देख सकते हैं। कितनी प्यारी वीडियो लग रही है गाइस हमारी। ऐसी वीडियो एडिट करने के लिए आपको गाइस मेरी ये वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो लग रही है हमारी। ऐसी वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, ऐसी रील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। ऐसी रील्स मूवी क्लिप की रील्स बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप आसानी से सीख पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एडिटिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं एडिटिंग की ओर। तो मेरे भाई ऐसे एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको सिर्फ दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी टर्बो वीपीएन एंड सेकंड एप्लीकेशन है हमारी कैपकट। ये दो एप्लीकेशन मेरे भाई आपको डाउनलोड कर लेनी है। सेकंड काम मेरे भाई आपको क्या करना है, सेकंड काम आपको टर्बो वीपीएन को मेरे भाई आपको कनेक्ट कर लेना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इसको ओपन होने देना है। टैप टू कनेक्ट पर आपको मेरे भाई सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वेट कर लेना है। तो मेरे भाई हमारा वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को मेरे भाई सिंपली ओपन कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको, इसको सिंपली मेरे भाई हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इस न्यू प्रोजेक्ट पर मेरे भाई आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आप अपने गैलरी में आ जाओगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको मेरे भाई कुछ क्लिप ले लेने हैं, जो भी गाइस मैं इसमें क्लिप या मटेरियल यूज़ करूँगा ऑडियो वगैरह, उसका लिंक मेरे भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे भाई आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही हमारे क्लिप। तो सबसे पहले हम डायलॉग वाला क्लिप ले लेंगे जिसमें हमारे ये कैरेक्टर डायलॉग बोल रहे हैं। तो डायलॉग वाला क्लिप आपको सबसे पहले ले लेना है जल्दी से। तो और उसके बाद आप कोई सा भी ले सकते हो, फर्स्ट में आपको डायलॉग वाला क्लिप ले लेना है। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी से ले लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरे भाई हमारे क्लिप यहाँ से सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने ऑल क्लिप अपने यहाँ से ऐड कर दिए। एंडिंग पार्ट मेरे भाई आपको डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देना है और डिलीट कर। आप देख सकते हैं मेरे भाई नीचे आपको ये एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको 9:16 का रेशियो ले लेना है, जो कि हमारे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अप्लाई होता है। तो इसको हम यहाँ से टर्न कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा ये अप्लाई हो चुका है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, जितने भी हमारे क्लिप है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसको कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपको रोटेट कर लेना है, फिंगर से आपको कुछ इस प्रकार से मेरे भाई इसको ऐसे हम रोटेट कर लेते हैं। जितने भी क्लिप है आपको कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। तो ऑल क्लिप को हम इस प्रकार से कुछ रोटेट कर लेते हैं। तो जितने भी क्लिप हैं हम सारे क्लिप को ऐसे रोटेट कर लेते हैं फिंगर से। ध्यान से देखना मेरे भाई वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे भाई हमारे जितने भी क्लिप है उसको कुछ हमने इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट कर दिया। अब मेरे भाई आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको क्लिप पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले क्लिप को आपको नहीं छेड़ना है, जो गाइस हमारा डायलॉग वाला क्लिप है, ध्यान से सुनना, उसको आपको नहीं छेड़ना है। उसके बगल वाले जितने भी क्लिप है, उसके बाद जितने भी हमारे क्लिप है उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे मेरे भाई स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कर्व का ऑप्शन दिख रहा होगा, कर्व ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। कर्व पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। कस्टम पर आपको क्लिक कर देना है, कस्टम पर दोबारा आपको क्लिक कर देना है। दो बार क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से ऊपर लाना है, ये साइड साइड का आपको दिख रहा होगा, इसको मेरे भाई आपको ऊपर की ओर लाना है कुछ इस प्रकार से। और ये दो दिख रहे होंगे आपको, आप देख सकते हैं ब्लैक वाले सर्कल, इसको कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर लाना है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाना है मेरे भाई। और इतना करने के बाद आपको नीचे स्मूथ पर क्लिक कर देना है। स्मूथ पर क्लिक करने के बाद आपको बेटर क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्मूथ स्लो मोशन अप्लाइंग हो रहा है। ऐसे ही गाइस जैसे हमने इसमें किया ऐसे ही आपको पूरी वीडियो में अप्लाई करना है। जैसे कि सेकंड में भी हम ऐसे ही कर देते हैं। कस्टम पर दो बार आपको क्लिक कर देना है और इन दोनों को मेरे भाई आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और इनको नीचे की तरफ स्मूथ पर क्लिक कर देना है, बेटर क्वालिटी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको डन कर देना है। अभी आप देख सकते हैं स्मूथ स्लो मोशन अप्लाइंग हो रहा है। जितने भी हमारे क्लिप है गाइस, फर्स्ट वाले क्लिप को छोड़कर, फर्स्ट वाले डायलॉग वाले क्लिप को छोड़कर जितने भी हमारे क्लिप है उसमें आपको यही मेथड अप्लाई कर देना है। तो जल्दी जल्दी से हम अप्लाई कर देते हैं। सो मेरे भाई अभी आप देख सकते हैं सारे क्लिप में जितने भी हमारे क्लिप है हमने स्लो मोशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मेरे भाई आपको सिंपली क्या करना है, बीच में आपको माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस पर मेरे भाई आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इस पर मेरे भाई आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, आपको वेट कर लेना है। ध्यान से देखना मेरे भाई वीडियो, तभी आपको समझ में आएगी। तो आपको मेरे भाई स्लाइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप अपने हिसाब से भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका पर्सनल फेवरेट होगा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो जैसा
तक की हमने स्लो मोशन किया है उसके हिसाब से हमारे वीडियो में सबसे कूल लगेगा पुलिन का। तो फर्स्ट में हम एक पुलिन का लगा देते हैं और 0.6 का रखते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं और फिर लगाते हैं हम पुल आउट का। एक में आपको पुलिन का लगाना है फिर पुल आउट का लगाना है। इस प्रकार से पुल आउट का लगा देते हैं 0.6 रखते हैं और फिर पुलिन का दोबारा लगा देते हैं। पुलिन का मेरे भाई आपको दोबारा लगाना है और पुलिन का लगाने के बाद इसको भी हम 0.6 कर देंगे। फिर पुल आउट का लगाना है। इस प्रकार से मेरे भाई आपको लगाना है, जैसे कि पहले आपको पुलिन का लगाना है इसमें इफेक्ट, फिर पुल आउट का, फिर आपको दोबारा पुलिन का, फिर दोबारा पुल आउट का। इस प्रकार से मेरे भाई आपको जल्दी जल्दी से लगा देना है। तो हम जल्दी जल्दी से हमारे इफेक्ट लगा देते हैं। अभी मेरे भाई आप देख सकते हैं इफेक्ट एंड प्लस स्लो मोशन, अभी आप देख सकते हैं इसका कमाल। अभी देख सकते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई कितने प्यारे तरीके से हमारा इफेक्ट एंड स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है। बढ़िया तरीके से स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है गाइस। स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई किया है हमने। अब मेरे भाई आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एडजस्ट पर मेरे भाई आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसकी एडजस्ट में ब्राइटनेस या सेचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। शार्पन को भी थोड़ा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से करना गाइस। और यहाँ से कलर को भी आप इस प्रकार से कुछ एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसको कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है। और यहाँ से डन कर देना है। और बिगनेट को भी थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं करना है। और इस प्रकार से इसको कुछ पूरी वीडियो में लेकर आना है। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन चुका है। अभी रुको गाइस, अभी आपको इसको सेव करने के लिए 180p में और फ्रेम को 60fps में और कोड रेट को आपको इतना ही रहने देना है। और इसको सेव करने के बाद आपको, अभी रुको गाइस, अभी एक स्टेप बचा है, इसको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद इसको आपको सिंपली, तो मेरे भाई हमारी वीडियो सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। न्यू प्रोजेक्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो वीडियो हमने अभी सेव की थी, जो वीडियो हमने एडिट करके अभी सेव की थी फाइल में, उसको हमने फिर से ले लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एंडिंग पार्ट को हम डिलीट कर देंगे और फिर से इस पर वीडियो पर क्लिक कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद स्टाइल का मेरे भाई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वेलोसिटी का इफेक्ट हम लगाएंगे, फ्लैश वाला इफेक्ट दिख रहा होगा मेरे भाई आपको, ध्यान से देखना। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मेरे भाई वेट कर लेना है। डिटेक्टिंग म्यूजिक हो रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरे भाई वेट कर लेना है। अभी आप देखना कितना कमाल की वीडियो बनती है हमारी। तो मेरे भाई लोगों, हमारी फ्लैश यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, डन पर हम क्लिक कर देंगे। अभी आपको मेरे भाई हम फाइनल रेडी, हमारी वीडियो हो चुकी है फ्लैश के साथ बिल्कुल स्मूथ तरीके से, उसको हम फाइनल वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे भाई फाइनल वीडियो हमारी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो लग रही है हमारी, कितनी प्यारी और कूल, बिल्कुल HD में, फुल HD में, 4K में और स्मूथ स्लो मोशन हमारा अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो हमारी लग रही है। सो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।